फायरबोल्ट स्टारलाइट वर्सेस फायरबोल्ट वॉक की जब से मैंने कंपैरिजन वीडियो चैनल के ऊपर डाली है उसके बाद आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पेबल फ्रॉस्ट प्रो से भी इसका कंपैरिजन वीडियो लेकर आओ, तो आज हम आ चुके हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में आज हम कंपेयर करेंगे फायरबोल्ट वॉक को पेबल फ्रॉस्ट प्रो के साथ। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को सिमिलर लुक एंड डिजाइन देखने को मिल जाता है, इसके अलावा काफी सारे सिमिलर फीचर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलते हैं फटाफट कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, किसकी एक्यूरेसी कॉलिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। तो एंड तक आप लोग बने रहना। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा यार, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोगों की डिमांड पर मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आता हूं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्ट वॉच के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस सेम लुक एंड डिजाइन के साथ आती है। दोनों में मेटेलिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है, साइड में आप लोग देख सकते हो सेम वर्किंग क्राउन मिल जाता है, इसके अलावा नीचे एक बटन भी देखने को मिल जाता है। पेबल फ्रॉस्ट प्रो में आप लोग नीचे वाले बटन को प्रेस करके बैक जा सकते हो। फायरबोल्ट वॉक की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग उसको प्रेस करके स्पोर्ट्स मोड में चले जाओगे। इन दोनों स्मार्ट वॉच के बैक साइड में ग्लास फिनिश का यूज किया गया है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बढ़िया भी देखने में लगती है। बाकी ऑफकोर्स दोनों स्मार्ट वॉच में इनबिल्ड स्पीकर एंड माइक प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज कर सकते हो, और ऑफकोर्स आप लोगों को मैं कॉलिंग टेस्ट आगे करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ बात करें इसके स्ट्रैप के बारे में, तो आपको दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में 44mm का एप्पल वाला स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, और फायरबोल्ट वॉक में आप लोगों को मल्टीपल स्ट्रैप ऑप्शन मिल जाएंगे, तो जो भी आप लोगों की चॉइस हो उसको आप लोग चूज कर सकते हो। बाकी फायरबोल्ट वॉक में आप लोगों को मैट फिनिश देखने को मिल जाता है, पेबल फ्रॉस्ट प्रो यहाँ पे शाइनिंग में आती है। अगर मैं बात करूं इन दोनों स्मार्ट वॉच के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको सेम बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। अभी पेबल फ्रॉस्ट आप लोगों को 1599 की देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर। वहीं बात करूं फायरबोल्ट वॉक के बारे में, तो ये स्मार्ट वॉच अभी आप लोगों को 2199 की देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले सिमिलर फीचर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट, हेल्थ ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलेगा आपको SPO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, BP मॉनिटर, साथ ही साथ फीमेल हेल्थ केयर का भी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया दोनों स्मार्ट वॉचेस में। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को गेम एंड कैलकुलेटर जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए गए। फायरबोल्ट वॉक में आप लोगों को मोशन सेंसर गेमिंग का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू यहां पर गेम खेल सकते हो। इसी के साथ साथ आपको दोनों वॉच में स्क्रीन लॉक का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको 8 मेन्यू स्टाइल भी मिल जाते हैं, तो आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको भी चेंज कर सकते हो। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करूं तो मिलता है म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, स्टॉपवॉच, अलार्म, टाइमर, और अलार्म को आप लोग पेबल फ्रॉस्ट में वॉच के अंदर ही सेट कर सकते हो, बट फायरबोल्ट वॉक में आप लोग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा और भी काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। वाटर रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों स्मार्ट वॉच यहाँ पे IP68 की रेटिंग के साथ आती है, तो आप लोग नॉर्मल बारिश में पहन के निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है, लेकिन स्विमिंग नहीं कर पाओगे। तो ये थे सिमिलर फीचर्स। अब बात करना चाहूंगा डिफरेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले पेबल फ्रॉस्ट प्रो की बात कर लेते हैं। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलता है 1.96 इंच की काफी बड़ी HD डिस्प्ले, और यहाँ पर भी बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जैसा कि फायरबोल्ट वॉक में देखने को मिला था हमें। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को काफी बढ़िया कलर एक्यूरेसी, कंट्रास्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, मतलब कहीं से भी पिक्सलेट नहीं होती इसकी डिस्प्ले। यहाँ पर भी आप लोगों को 550 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को विजिबिलिटी में कोई इशू फेस करने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इस वॉच को आउटडोर इंडोर कहीं पर भी यूज करते हो। तो बाकी आप लोग यहाँ पे कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो, और इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया निकल के आती है। तो ये थे पेबल के फीचर्स। तो मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है दोनों स्मार्ट वॉचेस में, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सिमिलर फीचर्स ही मिल जाने हैं। अब बात करना चाहूंगा फायरबोल्ट वॉक के बारे में। तो इस स्मार्ट वॉच में मिलेगा आपको 2.05 इंच की HD डिस्प्ले, और इसकी भी क्वालिटी काफी जबरदस्त है यार। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी काफी कम बेजल्स देखने को मिलते हैं। इस वॉच में आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स प्रोवाइड किया गया जो कि पेबल में मिसिंग है। बाकी हेल्थ ट्रैकिंग के यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, एक है ECG, दूसरा है बॉडी टेम्परेचर। ECG यहाँ पर गिमिक है यार, बाकी बॉडी टेम्परेचर वाले फीचर्स को आप लोग नॉर्मल आइडिया लेने के लिए यूज कर सकते हो, बट इस पर डिपेंड कभी भी मत रहना। और अगर मैं बात करूँ इन दोनों स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप के बारे में, तो आप लोग को पेबल फ्रॉस्ट प्रो में ज्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा फायरबोल्ट वॉक के मुकाबले में।
तो ये थे इसके सिमिलर और डिफरेंट फीचर्स। अब बात करना चाहूंगा यूआई परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर दोनों स्मार्ट वॉच में आप लोग देख सकते हो काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है स्मार्ट वॉच की यूआई, कहीं से भी लैग या फिर हैंग जैसा इशू फेस करने को नहीं मिलता है। लेकिन फायरबोल्ट वॉक में आपको थोड़ा सा सेंसिटिव टच देखने को मिलता है, जैसा मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी बताया था। बाकी आप लोग दोनों स्मार्ट वॉच को यूज कर सकते हो, वैसे कोई खास दिक्कत आपको नहीं आती यूआई को लेकर। अब चलते हैं फटाफट एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं दोनों स्मार्ट वॉच की और देखते हैं क्या रेटिंग प्रोवाइड करती है स्मार्ट वॉच हार्ट रेट और SP2 के मामले में। तो देखो यार, दोनों स्मार्ट वॉच को पहन के मैंने कई मरतबा अपना हार्ट रेट और SP2 को टेस्ट किया था। हर बार मुझे यहाँ पे एवरेज रीडिंग ही देखने को मिली थी, मतलब कुछ खास एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच में। और वैसे भी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ यार, किसी भी स्मार्ट वॉच पर रिलाय मत रहा करो, चाहे वो किसी भी ब्रांड्स का हो, सीरियस कंडीशन में डॉक्टर से कंसल्ट किया करो। तो हाँ, आप लोग एक्यूरेसी के लिए इन दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच को कंसीडर मत करना। अब चलते हैं फटाफट कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच ज्यादा बेटर कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड करती है हमें। हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ, तेरी आवाज तो काफी कड़क आ रही है, स्पीकर काफी बढ़िया है स्मार्ट वॉच का। अभी ना वॉच से कॉल कर रहा था मैं, फायरबोल्ट की आई थी स्मार्ट वॉच। हाँ, मेरी आवाज कैसी आ रही है? अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं स्पीकर मतलब कि मैं स्पीकर पे बात कर रहा हूँ? हाँ, एक्चुअली ना मैं थोड़ा अंदर हूँ ना, घर में हूँ अभी, इसीलिए। बाकी मतलब आवाज क्लियर आ रही है ना, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तेरी आवाज काफी बढ़िया आ रही। चल ठीक है, मैं करता हूँ बाद में। चलो ओके, बाय। हाँ ब्रदर, क्या हाल है? अच्छा, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है अभी? मैं बढ़िया हूँ भाई। तेरी आवाज़ हमेशा की तरह सही आ रही है। चल ठीक है, मैं करता हूँ बाद में ना। कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने देख लिया है, आपको भी आइडिया मिल गया होगा कौन सी स्मार्ट वॉच ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। बाकी अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर फायरबोल्ट वॉक ज़्यादा बेटर कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड करती है। सामने वाले की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से आती है और उसे भी आपकी आवाज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से जाएगी। तो डेफिनेटली आप लोग कॉलिंग पर्पज़ से फायरबोल्ट वॉक को चेकआउट कर सकते हो, बट पेबल फ्रॉस्ट भी कहीं पीछे नहीं रहती है। इसी स्मार्ट वॉच में भी आपको ठीक ठाक कॉलिंग क्वालिटी प्रोवाइड कर देती है कंपनी। अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पे और बात करते हैं आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। तो यार देखो, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वाइज दोनों स्मार्ट वॉचेस सेम है, यहाँ पे शाइन फिनिश मिल जाता है, इसके अलावा मैट फिनिश देखने को मिलेगा फायरबोल्ट वॉक में। बाकी जो फीचर्स वाइज अगर मैं कहूँ तो फायरबोल्ट वॉक में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी एक्यूरेसी कुछ खास नहीं दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच की। तो अगर आप लोग फैशन के लिए या फिर कॉलिंग के लिए कोई स्मार्ट वॉच देख रहे हो अंडर बजट, तो पेबल फ्रॉस्ट प्रो को चेकआउट कर सकते हो। ये स्मार्ट वॉच अभी आप लोग को 1699 की देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप लोगों को कोई बड़ी बेजललेस डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहिए जहां पर आप लोग कॉलिंग क्वालिटी भी काफी बढ़िया चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग फायरबोल्ट वॉक को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 200-300 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो देख लो यार, बाकी मैंने सारी चीजें आप लोगों को टेस्ट करके दिखा दी वीडियो में, आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो। दोनों स्मार्ट वॉच के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, जिस भी स्मार्ट वॉच में आप लोग इंटरेस्टेड हो जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।